नूरपुर के तहत पड़ने वाले क्षेत्र के दिनेटी भूरिया में दिवाली की शाम हुई एक हत्या को नूरपुर पुलिस ने एक दिन के भीतर ही हल करके आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई को लेकर लोगों ने काफी तारीफ भी की। नूरपुर के थाना नूरपुर के तहत पड़ते क्षेत्र के धनेटी भूरिया में दीपावली की शाम को हुई एक हत्या को नूरपुर पुलिस ने एक दिन के भीतर ही हल करके आरोपी व्यक्ति को गिरफ्तार कर सलाखों के पीछे पहुंचा दिया है। पुलिस की इस कार्रवाई की लोग तारीफ कर रहे हैं। डीएसपी नूरपुर डॉक्टर साहिल अरोड़ा ने बताया कि 27 अक्टूबर को शाम धनेटी भूरिया में एक व्यक्ति कुलदीप कुमार की हत्या हुई थी, जिसका शव खड्ड के किनारे मिला था, जिस पर पुलिस ने 28 अक्टूबर को मृतक की पत्नी के बयान पर आईपीसी की धारा 302 के तहत मामला दर्ज किया था। मृतक कुलदीप कुमार अपने पीछे पत्नी, तीन बेटियां, एक बेटा, जिनमें से दो बेटियों की शादी हो चुकी है और एक बेटी की शादी अगले कुछ महीनों में होनी तय हो चुकी है। इस मामले को लेकर पुलिस व FSL की टीम ने मौके पर जाकर बारीकी से मुआयना कर सबूत एकत्रित किए थे और वहां जुआ आदि खेल रहे 15-20 लोगों से पूछताछ की। उन्होंने बताया कि जुआ खेलने के बाद सभी के जाने के बाद आरोपी व मृतक के बीच कहासुनी हुई और आरोपी ने मृतक को पत्थर मारकर मार डाला। इसके बाद आरोपी ने घर जाकर अपने खून से सने कपड़े आदि धो लिए। उन्होंने बताया कि पुलिस ने हत्या में प्रयोग किया हुआ पत्थर बरामद किया है और FSL टीम को उसके घर में यहां कपड़े धोए थे, वहां से वह उसके कपड़ों से खून के सैंपल मिले। वह पुलिस की पूछताछ में उसने अपना गुनाह कबूल किया तथा पुलिस ने उसे इस हत्या के आरोपी में गिरफ्तार कर गहनता से जांच शुरू कर दी। धनेटी भूरिया में 27 दिवाली की रात को हमें सूचना मिली थी कि एक आदमी जो कि है घायल अवस्था में, जो कि खड्ड के किनारे, शौच खड्ड के किनारे पड़ा हुआ है, जिसके बाद पुलिस मौके पर गई, शव को कब्जे में लिया गया, हमने पोस्टमार्टम करा दिया है। तकरीबन इन्वेस्टिगेशन में ये पता लगा तकरीबन 15-20 लोग जो वहाँ पे थे दिवाली की रात को वहाँ इकट्ठे हुए थे और थोड़ा जुआ खेल रहे थे वहाँ पे, और हमने कल इन्वेस्टिगेशन के दौरान सारे 15 से 20 लोगों के साथ पूछताछ की, गहनता से फॉरेंसिक टीम को मौके पर बुलाया। इसका खुलासा हमने कर लिया है, 24 घंटे के अंदर इसका खुलासा हो गया है। इनका ही गांव का एक और आदमी है जिसका नाम है सुशील कुमार उर्फ शीला, उसको हमने इस केस में गिरफ्तार किया है। फॉरेंसिक टीम ने जो मौके पे पत्थर का इस्तेमाल हुआ था जिससे चोट मारी गई है सर पे, वो भी हमने बरामद कर लिया है। जो हमारा एक्यूज्ड है इसमें सुशील कुमार, इसकी कपड़ों से व जूतों से व इसके घर से हमें जो है ब्लड के नमूने मिले हैं, जिनको हमने कब्जे में लेके आगामी कार्रवाई हेतु भेज दिया है। वक्त हो चले छोटे से ब्रेक का, ये मिलते हैं ब्रेक के बाद।